मणिपुर को लेकर लगातार हिंसा जारी है। विपक्ष मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। सदन से लेकर सड़क तक पूरा विपक्ष पीएम मोदी से सदन में आकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। जबकि सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष के विरोध को उनके आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं बता रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया गया है। दरअसल कांग्रेस के ट्विटर पेज से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री फेल हो गए। इसके अलावा कांग्रेस ने एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर में लिखा है कि 32 लाख लोगों की आत्माओं को रुलाने वाले अपना घर जलता देख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आने के बाद कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल 3 मई को मैतई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक मणिपुर में मैतई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसी बीच कुकी समुदाय ने मैतई समुदाय के आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर ये तनाव हिंसा में बदल गया। आपको बताएं तो 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा हो, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।